आज हम आपको बताएंगे किस एनजीओ ने मनाया अपना एनुअल डे, किस जगह पे हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कशन, कौन सी रामलीला का हुआ भूमि पूजन, किस एनजीओ की हुई जनरल बॉडी मीटिंग। 10 सेकंड के ब्रेक के बाद आपको बताएंगे द्वारका में कहां पर और क्यों आए भारत के गृह मंत्री अमित शाह। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारका में आए और उनके आने का जो मकसद था वो था करबी भवन, जो कि सेक्टर 13 में है इस्कॉन टेंपल के नजदीक, उसका शिलान्यास करने का। और इस भवन का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। वादा किया था उसको नरेंद्र मोदी सरकार आज पूरा करने जा रही है। इस स्वप्न को साकार यहाँ रहकर हमारे बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे दुनिया को जानेंगे। कल यानी 18 तारीख को सेक्टर 12 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पहल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एजीएम हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, जिसमें से एक जो था वो ये था कि जो उनका स्कूल है जिसमें अभी 40 बच्चे पढ़ते हैं उसको बढ़ाकर 60 किया जाए, स्लम्स एरिया में मेडिकल कैंप लगाए जाएं। इस एजीएम के दौरान मोनिजा पाशा को पहल का सेक्रेटरी चुना गया। द्वारका सेक्टर 10 रामलीला ग्राउंड में कल यानी कि 18 अगस्त को हुआ 9वीं रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन। ये भूमि पूजन द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित कराया गया था। इस भूमि पूजन के दौरान वहां उपस्थित राजेश गहलोत, जो कि द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के मुख्य संरक्षक हैं, उनसे बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत को हम आपको कल सुनाएंगे। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। ग्रीन सर्कल ने अपने 12वें मंथली एनवायरमेंटल लेक्चर के दौरान जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको लगाने और उनको ठीक करने और उनको संभालने के ऊपर जोर दिया। इस दौरान वहां पर जो मुख्य वक्ता थे वो भुवन चोपड़ा जी थे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ईवीएस करोड़ीमल कॉलेज में, और उसके साथ साथ वो नोएडा सेक्टर 91 में इको सिस्टम को रिवाइवल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। द्वारका हेलो मॉम संस्था के हुए 6 वर्ष पूरे इस संडे यानी कि 18 अगस्त को। इस अवसर पर द्वारका हेलो मॉम्स ने पोचनपुर पाठशाला में किया एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बच्चों ने डांस, म्यूजिक जैसे कार्यक्रम किए और बच्चों को सम्मानित भी किया गया वहां के मेंबर्स द्वारा, और आए हुए अतिथियों ने भी कविता, कहानी और बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।